इसका कैमरा खींचने लायक, फोटो खींचने लायक, देख लीजिए झुका हुआ पेड़ को। हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, वेलकम है आज के न्यू ब्लॉग में। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू चैनल पे। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही है, काफ़ी दिन क्या, दो तीन दिन हुई है वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं बना ही नहीं पाया, दिल्ली से आया थक गया। और आपको पता है कि मैं बाइक से आया हूँ, बिकॉज अभी जो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मेरा जो माइक है ना उसका रास्ते में ना तार हिल गया और मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा वॉयस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मेरे को फिर से है ना वॉयस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो थोड़ी सी दिक्कत है और घर पे आप समझ ही पा रहे हो कि मैं अपने मम्मी को बताया नहीं हूँ कि मैं कैमरा लिया हूँ या ये वो, तो निकाल नहीं रहा हूँ। तो इसलिए चलते हैं आज यहाँ का जो हमारे शहर है सीतामढ़ी, यहाँ सा फेमस है जो हमारे सीतामढ़ी यहाँ पर है ना। जानकी मंदिर जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे रास्ता में एक पनपाकर नाम से है ना कोई जगह है, उसमें मैंने आया था, तो आपको वहाँ ले चलता हूँ। वहाँ पे ऐसा उसके बारे में पता है कि जब सीता माता है ना वहाँ से चली थी ना जनकपुर से, तो यहाँ आने में यहाँ पे है ना जब नाइट हो गया था रात, तो यहाँ पर रुकी हुई थी और यहाँ पर रेस्ट वेस्ट वगैरह की थी। यहाँ पर एक पेड़ है, बहुत विशाल सा पेड़ है, तो आपको वहाँ का सीन दिखाऊंगा और आपको वहाँ के बारे में बताएंगे कि क्या है वहाँ का। तो आप लोग वहाँ पे एक प्लेस पर जाके ही बताऊंगा उसके बारे में, और वहाँ क्या है ना, हो सकता है एक दो तो लोगों से पूछ भी ले क्या है यहाँ का राज। तो आप लोग बने रहो और चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से है ना अंदर आए हैं, यहीं पर है ना अब तो मंदिर बना दिया गया है यहाँ पर, ये सब देख रहे हैं छोटे छोटे जगहों पर, ये जो पाकर का पेड़ देख रहे हैं आप ये उसी का है, और ये कहीं कहीं देख रहे हो, पता है यहाँ का राज क्या है। अभी बाबा यहाँ पे थोड़ी सी सट बंद कर लिया, फिर तो चलते हैं यहाँ पे और बताएंगे यहाँ के बारे में, जो के बारे में बताओ था। जिस समय राजा जनक की लड़की सीता को जब शादी हुआ वहाँ, भगवान धनुष तोड़े, धनुष के बाद मतलब सोमवार टूटा परशुराम जी आए, लक्ष्मण जी से वातावरण हो गया, वहाँ एक चौपाई है जो राम रमापति करधन लेहु खैच चाँप मिटे संदेहु, काटने के लिए तैयार हो गए थे दोनों बच्चे को, लेकिन जब हाथ नहीं उठा तो फरसा जो है वो रुक गया, और वहीं शायद रामावतार तो नहीं हो गया, प्रशांत जी की सोच में आया, तो कहे तो विष्णु तो हमको दिए थे रक्षा करने के लिए, हम अजमाइए लेते हैं, राजा का लड़का होगा तो काट देंगे, नहीं रामापति होंगे तो हम समझ जाएंगे। तो अपने हाथ जो विष्णु भगवान दिए थे परशुराम जी को वही धनुष उनको दिया, और वही चौपाई बोला जो राम रमापति करधन लेहु खैचो चाँप खींचे संदेहु, हे राम यदि आप रमापति हैं तो अपना धनुष लेकर के हमको चढ़ा दीजिए। तो छुअत चाँप आप चढ़ गए हो परशुराम का विष्णु भयो, चाँप अपने आप चढ़ गया है, परशुराम जी का संदेह मिट गया। वहाँ से भगवान बोले यार तुम्हारा तपस्या जो है जितना तपस्या किया उसको भंग कर दें, कि आने जाने का शक्ति जो है उसको भंग कर दें, क्या करें बोलो। तो सरकार हम तो पृथ्वी दान दे दिए हुए हैं, पृथ्वी पर हमको रात को रुकना नहीं है, हमको तो जाना पड़ेगा अपने यहाँ हाँ पर्वत पर, तो इसको न मतलब ख़त्म कीजिए, हमारा प्रायश्चित जो है जो हम प्रायश्चित करते हैं तो प्रायश्चित को हमारा दूर कर दीजिए। तो वही बाण उत्तर दिशा में छूटा और वहाँ से फिर भगवान परशुराम जी चले। अच्छा ये बाबा ये माँ जानकी नंदिनी सुनिए ना, जब शादी की डोली वहाँ से चली कल होके सुबह में, तो दो तीन योजन है यहाँ से, यहाँ कहार रोका तो मैया यही रुकी थी, सीता माता रुकी थी, सीता मैया। अच्छा, और कहार मतलब थोड़ा दम धरा उस समय, सखी लोग भी आई थी, पानी उनी पिया, जो अभी तक रिवाज अपने लोगों में चलता है वही रिवाज, मतलब सखी लोग यहाँ से लौट गए, भैया खुला किया कुंड है यहाँ पे देखे हमने, हाँ। और ये जो पेड़ है पाकर का, इनसे पहले का ये पेड़ है जो कि छांव में रुका था कहा। अच्छा अच्छा, तो पेड़ मतलब जो जैसा पेड़ था अभी वो ऐसा वैसा ही है। अच्छा, तेरता जो का पेड़ है, पेड़ अपने आप मरम्मत होता है, चलिए हम घूमेंगे, ऐसा निकलेगा जल्दी से और ऐसे सीधे सीधे लपेटते लपेटते आपको ऊपर तक चले जाएगा, थोड़ा दो मिनट रुकिए हम बताएंगे।
ठीक ठीक प्रसादी ले लीजिए तो हम घुमाइए। ठीक है, तो हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ का व्यू, तो चलते हैं हम लोग बाबा के साथ, बाबा बताएंगे इसके बारे में यहाँ का। रामायण में भी देख लीजिए, श्री राम जानकी डोली अचल राम परशुराम संवाद यहाँ, और वहाँ लक्ष्मण जी से हुआ चक्रोधा को। ये जो मैया का स्थल है ना, उसी जगह पर डोली रुका था पेड़ के छांव के पास, और आचमन जो खुला किए थे तो वही कुंड है, और पेड़ उसी समय का है जिसको देखिए अपने आप मरम्मत होता है, कोई कारीगर नहीं इसको बनाता है। यहाँ से देखिए पुराना जितना है सब खखड़ खखड़ के गिरता है इसमें से माटी है। ये देखिए ये सब निकाल करके लेते चला गया है, एक ईटों में नहीं सब में, ये अमर पेड़ पट पाया है। अच्छा यहाँ से ये देखिए, वहाँ से देखिए, सब अपने आप, ये ऐसा लग रहा है कि एक ही पेड़ से सभी हुआ है, यही पेड़ से, इसी पेड़ से सभी हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये डाल जब झुकना झुक रहा था तो इसका सपोर्ट यहाँ लग गया, देखिए इसको झुकने नहीं देगा, ये ज्वाइंट होगा, ये तो है ये ज्वाइंट। अच्छा वो उसको देख लीजिए। अच्छा यहाँ पे बाबा सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ सब लगा है, नहीं नहीं सही है ये सब। हाँ और आइए, चलिए हम आपको पारस्परिक प्रेम क्या है राम अवतार में, राम अवतार में कैसे आदमी चाहते थे कैसा प्रेम, वही शिक्षा आपको पेड़ देगा। रिद्धि सिद्धि का दाता यहीं बुला करके सीता जी बुलाए थे। अच्छा अच्छा, जो हमारे पिताजी अकेला हैं, अयोध्या से बार आती आती है, कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी अकेला हैं, तो वहाँ जो भी बाराती आया ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ रहता था वो उसको वही सामने मिलता था, जहाँ रिद्धि सिद्धि है वहाँ कमी क्या है, और हनुमान जी का पहरा यही दर्शन। अच्छा हाँ, हनुमान जी का भी पहरा यहीं पे है, हनुमान जी का मंदिर हो गया, और ये ध्वजा मतलब ये है उनका, तो ध्वजे पहचाने, ध्वजा ही तो पहचान है उनका, बात सही का यही है। जो अजनबी चीज है उसको देखो, ये पेड़ में इतना वजन है, देखते हैं डाल पर, ये नीचे बैठ सकता है, ये झुक जाएगा बैठ जाएगा, इसका सपोर्ट देखिए जो यहाँ से लेकर के रस्ते की तरह फसान करके यहाँ टांग लिया। हाँ ये तो है, और एक पेड़ इसका ले करके यहाँ ज्वाइंट कर लिया ताकि ये गिरे ना, और वो पेड़ उसको सपोर्ट लेके जड़ी बांध दिया। यहाँ से आइए देखिए सामने, अच्छा ये पेड़ जड़ी बांध लिया, ये पेड़ इसको पकड़ लिया, वो रस्सी की तरह टांग लिया, वो जिंदगी में वो पेड़ गिरेगा गिरेगा नहीं कभी, ये तो है, गिरेगा नहीं या तो गिरेगा नहीं। इसका कैमरा खींचने लायक, फोटो खींचने लायक, देख लीजिए झुका हुआ पेड़ को, प्रेम यही चीज है, हर पेड़ में आप रूपी मरम्मत है, कोई पेड़ ऐसा नहीं है जो जिसमें मरम्मत नहीं हो। देखिए यहाँ से कितना हो गया, देख लिए और इधर आइए। तो बाबा यहाँ पे मेला वाला कब लगता है? मेला लगता है चैत्र पंचमी है, अगर चैत्र नवमी है, अगर पंचमी है, शिवरात्रि है। अच्छा मेला का क्या कमी, भोलेनाथ का मंदिर है। अच्छा हाँ ये भोलेनाथ का मंदिर हो गया, ये देखा अभी, ये भोलेनाथ का मंदिर है, ये पेड़ जो है इधर से बाहर, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर ना हो वहाँ पर भी जितना भी सिर है इसको फोड़ नहीं सका है। देखिए अभी नीचे से देख लीजिएगा पूरा वर्तमान, उसी पर जटा की जैसा है लगा हुआ, जो ऊपर ही है, ऊपर ही है। हाँ और ये देखिए एक पेड़ को एक गिर जाता, कितना नीचे है खंभा का जैसा, उसका सपोर्ट अपने आप लग गया नीचे से, नहीं ये बात तो है। हाँ वो खम्मा नहीं है, नहीं वो तो देख रहा है ये अपने आप है ना, अपने आप निकला है यहाँ से ताकि उठा रहे।
धरती पर भार ना हो जाएगा, इसलिए धरती से हटा। पानी आपको देखने में ऐसा लगता है क्योंकि छांव के पत्ता इसको ढक रखा है, ढक के रखता है। अब हम दिखाते हैं, एकदम साफ पानी है। यार ठंडा और साफ पानी कितना है, वही आश्चर्यजनक है। इसमें कीड़ा कभी नहीं लगता। जबकि ये बहता पानी भी नहीं है, घेरा हुआ पानी में कीड़ा लगना चाहिए, फिर भी अब देखिए स्वच्छ है। इतना गंगा की तरह पवित्र, देखते हैं जरा सा भी कुछ नहीं। ये तो मैया का देन है ना, देख लीजिए। अरे पानी इसमें बरसात में और तो ज्यादा होता होगा, इसमें पानी यहाँ तक चला आता है, यहाँ तक गहरा नहीं है ज्यादा, गहरा इतना ही है जितना हम है बस, लेकिन सूखता कभी नहीं है। बैसाख है, सब दिन भी गुजर जाए, इस बार भी पानी चटक गया, कॉल नहीं चलता है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ कोई कारीगरी नहीं, सब माया मैया का है। देखिए अपने आप मतलब मजबूत होता जा रहा है, अपने सपोर्ट देखिए यहाँ से वहाँ तक, इसको भी सपोर्ट मिल गया, उसको भी सपोर्ट मिल गया, वहाँ जो है उसको भी सपोर्ट मिल गया, तीन तीन का देखिए। वो जो देख लिए हैं वो भी देखें, खंभा आ गया है, गिरने नहीं देगा नीचे में, बैठने नहीं देगा। वो तीनों टान लिया, उसको भी गिरने नहीं देगा, तो जो अजनबी है उसको देख।